डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यदि आपका कोई इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है या कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानिएगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है क्या। तो इसको समझने के लिए आप मान सकते हैं कि जैसे कि दो आपका वेरिएबल दिया हुआ है एक्स और वाई, और दोनों जो वेरिएबल है किसी अलग वेरिएबल थर्ड वेरिएबल टी का यदि फंक्शन हो, तो यहाँ पर दिए गए इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। और जो थर्ड वेरिएबल टी होगा वो आपका दोनों का क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। जैसे कि डिफरेंशियल लिख सकते हैं कि इफ एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल, टी, देन गिवेन फंक्शन या गिवेन इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड टी इज कॉल्ड पैरामीटर। यहाँ पर एग्जाम्पल में मान लेते हैं, यदि लेट एक्स इज इक्वल टू मानिएगा आपका एफ टी, तो यहाँ पर एक्स जो है टी का फंक्शन है, एंड वाई इक्वल टू मानिएगा फाइव टी, तो वाई भी यहाँ पर क्या है, टी का फंक्शन है। तो एक्स भी टी का फंक्शन है और वाई भी आपका टी का फंक्शन है। तो ये एक्स जो दिया हुआ वो भी और वाई जो दिया हुआ, ये दोनों आपका क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। और टी जो थर्ड वेरिएबल है ये दोनों का पैरामीटर कहलाएगा, एक्स का भी पैरामीटर और वाई का क्या भी होगा, पैरामीटर होगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का सिंपल डेफिनेशन हो गया, इफ एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी, देन गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। यदि आपका एक्स और वाई किसी तीसरे चर तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो, तो वह आपका एक्स और वाई पैरामीटर कहलाता है। अब यहाँ पर है कि आपका यदि कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है या कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात कीजिएगा, यानी डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालिएगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पर फंक्शन है एक्स इक्वल टू दिया हुआ एफ एक्स एफ टी, एंड वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका फाइव टी, यानी यहाँ पर लिखना है टू फाइंड डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स बराबर दिया हुआ है एफ एक्स एफ टी, एंड वाई इक्वल टू क्या आपका फाइव टी। अब हमें ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपका बाई को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि बाई जो है टी का वेरिएबल दिया हुआ है, तो बाई टी का वेरिएबल है इसलिए इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप में क्या निकालेगा आपका, स्टेप वन में पहले निकालेगा डी वाई बटे डी टी, तो डी वाई बटे डी टी जो होगा इधर फाइव डैश टी हो जाएगा। स्टेप दूसरा में फिर क्या निकालेगा, अब तो बाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया टी के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या करना है आपका, एक्स का डिफिनेशन करना है। तो एक्स का डिफिनेशन भी किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, टी के रिस्पेक्ट में ही कीजिएगा, क्योंकि एक्स भी किसका फंक्शन दिया हुआ है, टी का ही फंक्शन दिया हुआ है। तो स्टेप टू में फिर क्या निकालना है, डी एक्स बटे आपका डी टी निकालना है। तो डी एक्स बटे डी टी जो निकालेगा एफ डैश आपका टी हो जाएगा। यानी आप जानते थे कि एफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स बराबर एफ टी दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, एफ डैश टी से। आपका फाइव टी दिया हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट होगा, फाइव डैश टी से होगा। तो यहाँ आपका डी वाई बटे डी टी निकल गया और डी एक्स बटे डी टी निकल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, डी वाई बटे डी टी निकला और डी एक्स बटे डी टी निकला है, हमें ज्ञात क्या करना है आपका, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालिए, तो स्टेप थ्री में आप कीजिएगा, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं इसको आपका डी वाई बटे डी टी, और फिर अपॉन डी एक्स बटे क्या आपका डी टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी टी डी टी कट जाएगा, तो डी वाई बटे क्या बचेगा, डी एक्स ही बचेगा। तो पहले क्या कीजिएगा, डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए ऊपर वाई के डिफ्रेंशिएशन को रखिएगा और नीचे आपका एक्स के डिफ्रेंशिएशन को रखिएगा। तो ऊपर होगा डी वाई बटे डी टी और नीचे डी एक्स वाई क्या आपका डी टी हो जाएगा। अब वाई डी वाई बटे डी टी क्या निकला हुआ था, तो फाइव डैश इंटू टी निकला हुआ है, और डी एक्स बटे डी टी क्या निकला हुआ है, एफ डैश इंटू आपका टी निकला हुआ है। तो इस प्रकार से डी वाई बटे डी एक्स निकल जाएगा। यानी कोई दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा
और उसका यदि थर्ड वेरिएबल दिया हुआ है, तो जो थर्ड वेरिएबल है जैसे कि यहाँ पर थर्ड वेरिएबल टी है, तो उसको टी के रेस्पेक्ट में हमने दोनों का डिफरेंशिएट किए हैं, वाई को भी और आपका एक्स को भी। यदि आपका थीटा के रेस्पेक्ट में रहेगा थर्ड वेरिएबल, यदि आपका थीटा रहेगा तो वहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं एक्स बराबर ए सेक थीटा और वाई बराबर बी टेन थीटा। अब यहाँ पर हमें ये जो दिया हुआ इक्वेशन, जो आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, और जो आपका थर्ड वेरिएबल टी का आपका फंक्शन है, तो यहाँ पर सॉरी थर्ड वेरिएबल थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पर पैरामीटर के बाद आपका थीटा हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स। तो हमें यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपका बाई को डिफिशिएट कीजिएगा। अब बाई को डिफिशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, आपका थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर आपका थीटा दिया हुआ है, यानी एक्स भी थीटा का फंक्शन है और बाई भी क्या आपका थीटा का फंक्शन है। तो थीटा आपका दोनों का वेरिएबल हो रहा है, एक्स के लिए भी और आपका बाई के लिए भी, तो पैरामीटर थीटा होगा। तो यहाँ पर दोनों का डिफिशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो चलिए पहले क्या निकालेगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डी वाई बटे डी थीटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस पहले फंक्शन को लिखिए, सिंस वाई इक्वल टू बी टेन थीटा दिया हुआ है, तो देन लिखिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी हिंदी में क्या लिखिए, थीटा के सापेक्ष बाई को अवकलज करने पर। तो यहाँ पर होगा इधर डी वाई बटे डी थीटा हो जाएगा, और उधर होगा डी बी टेन थीटा अपॉन डी थीटा। तो इधर तो लिखा गया लेफ्ट में डी वाई बटे डी थीटा ही रह जाएगा, और उधर क्या होता है, बी आपका कॉन्स्टेंट टर्म में ये बाहर निकल गया, तो हो जाएगा डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा। अब टेन थीटा का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इधर लेफ्ट में डी वाई बटे डी थीटा ही रहेगा, और राइट में क्या होता है आपका, बी बाहर ही रह गया, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर ही रह जाएगा, और टेन थीटा का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी थीटा क्या होगा, बी सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स को भी डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सिंस एक्स इज इक्वल टू है ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इधर लेफ्ट में क्या लिखिएगा, डी वाई बटे इम्प्लाई आएगा डी एक्स बटे डी थीटा इक्वल टू, इधर होगा डी ए सेक थीटा अपॉन के तरफ का डी थीटा हो जाएगा। इससे भी ए कॉन्स्टेंट टर्म में, तो ए आपका बाहर निकल गया। अब सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी सेक थीटा अपॉन डी थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन होता है, तो ए बाहर ही आ जाएगा और सेक थीटा इंटू क्या आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो इम्प्लाई आप कह सकते हैं कि डी एक्स बटे डी थीटा जो निकला है वो क्या है, ए सेक थीटा इंटू आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा भी निकल गया और डी एक्स बटे आपका डी थीटा भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है लास्ट में, आपका डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बटे डी एक्स से क्या लिखे, देखिए सिंस डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, पर डी वाई बटे डी थीटा ऊपर लिखा है अपॉन डी एक्स बटे डी थीटा क्या होगा नीचे लिखा गया, इस प्रकार से डी वाई बटे डी एक्स होगा, क्योंकि डी थीटा डी थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, ये भी डी थीटा है ये भी डी थीटा है, तो ये कटेगा, तो ऊपर डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बचेगा, नीचे आपका डी एक्स बचेगा, तो डी वाई बटे डी एक्स आ गया। अब डी वाई बटे डी थीटा का मान क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या रखेगा, बी सेक स्क्वायर थीटा रखाएगा, और नीचे क्या था आपका डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या है, ए सेक थीटा और इंटू आपका टेन थीटा। तो यहाँ पर रखा गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो इम्प्लाई डी वाई बटे डी एक्स जो लिखा गया वो क्या होता है आपका सेक, ऊपर नीचे एक कटेगा तो ऊपर बी बचेगा और एक सेक थीटा बचेगा, क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर दो सेक थीटा है और नीचे एक है, तो एक एक ऊपर कट गया तो ऊपर एक सेक थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा, ए इंटू आपका टेन थीटा बचेगा। इसको और एक्सप्लेन करके और तोड़ के लिख रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, सेक थीटा को लिखिएगा वन बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखिएगा आप, ए इंटू साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का आपका कट जाएगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे रहेगा, तो कॉस कॉस क्या आपका कटेगा, तो क्या बच जाएगा, इम्प्लाई इम्प्लाई आपका डी वाई बटे डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा आपका बी बटे ए साइन थीटा।
बी बटे ए क्या हो आपका साइन थीटा है, तो इस प्रकार से डी वाई बटे डी एक्स निकलता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए प्लस ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें डी वाई बटे डी एस निकालना है। एक्स बराबर दिया वो भी थीटा का वेरिएबल, थीटा का आपका फंक्शन है, और वाई दिया वो भी क्या आपका थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पर भी पैरामीटर थीटा हो रहा है। अब इसमें डी वाई बटे डी एस निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए हमें क्या करना है, टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, सिंस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है ए वन प्लस कॉस थीटा, ये वाई इक्वल टू दिया हुआ है ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, तो आप डी वाई बटे डी एक्स निकालिएगा, डी वाई बटे डी थीटा निकालिएगा सॉरी, क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो सिंस हो जाएगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बाई बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट में आपका डी वाई बटे डी थीटा सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो लेफ्ट में डी वाई बटे डी थीटा लिखाएगा, इधर क्या होगा डी ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन आपका डी थीटा हो जाएगा, तो इम्प्लाई लेफ्ट में डी वाई बटे डी थीटा ही रहेगा और राइट में होगा एक कॉन्स्टेंट टर्म ये बाहर निकल जाएगा, और दोनों फंक्शन का अलग अलग क्या कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, एक वन प्लस कॉस थीटा है, तो पहले वन का डिफ्रेंशिएशन तो डी वन बटा डी थीटा प्लस, उसके बाद कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो डी कॉस थीटा बटे का आपका डी थीटा हो जाएगा, इस तरह से लिखिएगा, तो लेफ्ट में डी वाई बटे डी थीटा जैसे था उसे रह गया, एक कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ही रहेगा, वन कॉन्स्टेंट टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है तो इसका जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा है कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का आपका साइन थीटा, तो इसका माइनस का आपका साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख आएगा, ए जीरो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा ही रहेगा, तो आपका ए से गुना होगा तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखिएगा फाइनली लिखिएगा डी वाई बटे डी थीटा जो होगा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी वाई बटे डी थीटा निकल गया। फिर क्या निकाला आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालिएगा, तो सिंस आपका एक्स बराबर दिया हुआ है ए थीटा माइनस साइन थीटा, अब इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसलिए हो जाएगा था लेफ्ट में डी एक्स बटे डी थीटा, तो राइट में क्या लिखा डी ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन क्या आपका डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालना है, अब अंदर में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो डी थीटा बटे डी थीटा माइनस, उसके बाद साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो डी साइन थीटा बटे क्या आपका डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो बाहर का बाहर ही रह गया, अब डी थीटा कटेगा तो वन बचेगा माइनस, अब ऊपर है साइन थीटा तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, तो माइनस क्या होता है आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब इधर लेफ्ट में है डी वाई बटे सॉरी डी एक्स बटे डी थीटा, और उधर हो गया अब ए इंटू वन माइनस क्या होता है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, तो इस प्रकार से निकल गया डी एक्स बटे डी थीटा निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या चीज है डी वाई बटे डी एक्स, तो सिंस कैसे निकालेगा, सिंस डी वाई बटे जो डी एक्स होगा वो आपका लिखा होगा डी वाई बटे डी थीटा और अपॉन डी एक्स बटे का आपका डी थीटा हो जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा ऊपर रखिएगा और डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका नीचे रखिएगा, तो आपका डी वाई बटे क्या निकल जाएगा आपका डी एक्स का मान निकलेगा, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस ए साइन थीटा, तो ऊपर रखा देगा माइनस ए साइन थीटा और नीचे क्या रखा है आपका नीचे हो जाएगा ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए एक कट गया, अब ऊपर हो गया माइनस साइन थीटा नीचे वन माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप उसको और आगे तोड़ कर लिख सकते हैं डी एक्स बटे डी थीटा, माइनस साइन थीटा को क्या लिखिएगा, इसको लिखिए माइनस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला क्या जानते हैं, इधर लिख देते हैं फॉर्मूला साइन टू थीटा यदि दिया हुआ है तो होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा पढ़े होंगे शायद फॉर्मूला,
साइन टू थीटा दिया हुआ, तो क्या होगा आपका टू साइन थीटा और इंटू क्या आपका कॉस थीटा। और दूसरी फॉर्मूला और क्या होता है, वन माइनस यदि कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसका क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू होता है, और यदि वन प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या आपका टू, यानी प्लस में है तो कॉस रहेगा, और यदि कॉस माइनस में है तो क्या होता है आपका साइन होगा। तो वन माइनस कॉस थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर नीचे में। तो नीचे में क्या होता है आपका वो टू साइन स्क्वायर थीटा बटे आपका टू हो जाएगा, और ऊपर में फॉर्मूला क्या लग गया साइन टू थीटा वाला, तो टू थीटा था तो यहाँ पर थीटा हुआ, इसमें आपका थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई क्या आपका टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टू टू पहले तो कट गया, अब ऊपर माइनस बचेगा और नीचे एक साइन भी ऊपर नीचे कटा है, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर है दो साइन है, एक ऊपर साइन है तो एक साइन ऊपर नीचे कट गया, तो आपका ऊपर बच गया माइनस कॉस थीटा बाय टू केवल बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा आपका साइन थीटा बाय टू, एक साइन थीटा बाय टू बच जाएगा, वो कटेगा वो बचेगा। अब कॉस बटे साइन क्या होता है माइनस कॉट होता है, तो माइनस कॉट थीटा बाय का आपका टू, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या निकल गया माइनस कॉट थीटा बटे टू निकल गया। फिर से देखिए इसको, यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ है, एक एक्स है और एक वाई है, एक्स भी थीटा का फंक्शन है और वाई भी क्या आपका थीटा का फंक्शन है, यानी यहाँ पर थीटा दो थीटा है जो वेरिएबल है एक्स में भी है और आपका वाई में भी है, तो थीटा को यहाँ पर हम क्या कहेंगे पैरामीटर कहलाएगा, तो यहाँ पर पैरामीटर आपका थीटा होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर हमें निकालना क्या चाहिए डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहले आपका वाई को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद दोनों को डिवाइड करके डी वाई बटे आपका डी एक्स निकल जाएगा। तो वाई बार क्या दिया ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, इसको यदि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बटे डी थीटा इधर होगा, इधर डी इतना बटे आपका डी एक्स हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट टर्म था आपका बाहर निकल गया। अब ये दोनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी वन बटे डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा बटे आपका डी थीटा हो जाएगा, वन कॉन्स्टेंट टर्म तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपका बाहर आ गया जीरो और माइनस आपका साइन थीटा, तो डी वाई बटे डी एस हो गया। अब इसको ए को अंदर ले जाए तो माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा फंक्शन क्या था एक्स बराबर, तो एक्स बराबर ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको भी हमें क्या करना है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी एस बटे डी थीटा इधर लेफ्ट में लिखा है, इधर डी इतना बटे डी थीटा, ए इसमें भी मल्टीप्लाई है कॉन्स्टेंट टर्म से, तो ए को बाहर कर दीजिए और दोनों टर्म को अलग अलग से आपका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी थीटा बटे डी थीटा, फिर साइन थीटा का करना है तो डी साइन थीटा बटे डी थीटा, बीच से माइनस था माइनस ही रह गया। अब ये तो बाहर ही रहेगा, थीटा थीटा कटेगा तो वन हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है तो माइनस कॉस हो जाएगा, तो डी एक्स बटे डी थीटा का मान ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। अब हमें निकालना है डी वाई बटे डी एस निकालना है, तो डी वाई डी एस कैसे निकलेगा, डी वाई बटे डी थीटा ऊपर रहेगा डी एस बटे डी थीटा आपका नीचे रहेगा, तो डी एस बाई बटे डी थीटा का मान माइनस वन माइनस ए साइन थीटा था तो माइनस ए साइन थीटा रखा गया, और डी एस बाई डी थीटा का मान क्या है आपका ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा रखा गया। अब यहाँ पर ऊपर नीचे एक कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, नीचे वन माइनस कॉस थीटा। अब फॉर्मूला पढ़े था माइनस साइन थीटा क्या लिखे माइनस टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला पर रखा गया। नीचे वन माइनस कॉस थीटा है तो वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिखे साइन स्क्वायर थीटा बाय टू रहेगा, तो ऊपर नीचे एक साइन कटेगा तो ऊपर माइनस कॉस थीटा बाय टू और नीचे साइन थीटा बाय टू, तो कॉस प्लस साइन क्या होगा माइनस कॉस थीटा बाय टू होगी। इतना आसान प्रॉब्लम लीजिए। आपके बुक केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का वन का जो प्रॉब्लम है, एक्स इक्वल टू ई पे पावर टी प्लस साइन टी है और वाई इक्वल टू आपका लॉग टी दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है टू फाइंड डी वाई बटे आपका डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका व्हाट, तो पहले क्या कीजिए आपका वाई फंक्शन लीजिए, तो सिंस वाई जो दिया हुआ है लॉग टी है, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर टी एक्स का भी वेरिएबल है और आपका वाई का वेरिएबल है, तो पैरामीटर यहाँ पर क्या होगा टी होगा, अब पैरामीटर टी है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो वाई को लिखना है क्या लिखिए आपका इसलिए डी वाई बटे डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी वाई बटे डी टी लिखा गया लेफ्ट, और राइट में क्या लिखा है डी लॉग टी अपॉन क्या आपका डी टी हो जाएगा, तो लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन जानते क्या होता है वन बटे टी हो जाएगा,
क्योंकि आप पढ़े थे एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ लॉग टी दिया हुआ टी के रिस्पेक्ट में ही करना डिफरेंशिएशन, तो 1/ क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो dy/dt का मान निकल गया 1/t निकल गया। पुनः अगेन अब क्या दिया हुआ, सिंस वाई बराबर एक्स बराबर लेना है तो एक्स बराबर ई पर पावर टी है और प्लस आपका साइन टी दिया हुआ है, इसको भी एक्स के टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, टी के सापेक्ष आप क्लच कीजिएगा, तो लेफ्ट में dx/dt लिखा है और राइट में क्या लिखा है डी ई पर पावर टी और प्लस साइन टी अपॉन क्या आपका dt हो जाएगा। अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि दो दो फंक्शन दिया हुआ है, दो टर्म दिया हुआ है, तो डी ई पर पावर टी अब बटे dt हो जाएगा और फिर प्लस डी साइन टी अब बटे क्या आपका dt हो जाएगा, पहले ई टी का डिफ्रेंशिएशन और फिर आपका प्लस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन, इधर इम्प्लाई डी एक्स बटे डी टी रहेगा, तो इम्प्लाई क्या लिखा है लेफ्ट में डी एक्स बटे डी टी ही रहेगा और राइट में क्या होगा ई टी का डिफ्रेंशिएशन आपका ई टी ही रहेगा, अब प्लस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका कॉस टी हो जाएगा, तो साइन टी का कॉस टी हो गया, तो इसलिए डी एक्स बटे डी टी का क्या होगा ई टी और प्लस कॉस टी हो जाएगा। अब क्या निकालना डी बटे डी एक्स, तो सिंस डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या लिखेगा ऊपर डी वाई बटे डी टी रह जाएगा और नीचे डी एक्स बटे का आपका डी टी रह जाएगा, ऊपर डी वाई बटे डी टी का मान कितना होता है आपका 1/t हो जाएगा और डी एक्स बटे डी टी का मान क्या होगा ई पे पावर टी और प्लस का आपका कॉस टी हो जाएगा, डी वाई बटे डी टी ऊपर हो गया 1/t और डी एक्स बाई डी टी आपका नीचे रखा गया ई पावर टी और प्लस का आपका कॉस टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखिए जो देखिए इम्प्लाई डी वाई बटे डी एक्स तो रहेगा ही और इधर क्या होता है आपका इसको सॉल्व कीजिए तो 1t भी नीचे आ जाएगा, तो 1/t इंटू ई पावर टी अब प्लस का आपका कॉस टी हो जाएगा, बस छोड़ दीजिए ई पावर टी इंटू क्या आपका प्लस कॉस टी हो जाएगा, तो ये निकल गया आपका dy/dx का मान। फिर से देखिए एक्स बार ई पावर टी प्लस साइन टी दिया हुआ है और वाई बराबर आपका लॉग टी दिया हुआ है, हमें dy/dx निकालना है, तो पहले वाई फंक्शन लीजिए वाई बराबर लॉग टी लीजिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा टी के रेस्पेक्ट में क्योंकि पैरामीटर टी है, डी वाई बटे डी टी इधर डी लॉग टी बटे डी टी, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t हो जाएगा क्योंकि लॉग एक्स का 1/x होता है। अब दूसरा है आपका एक्स बराबर लेना है ई पावर टी प्लस साइन टी दिया, इधर डी एक्स बाई डी टी रखा गया, इधर डी इतना बटे डी टी हो गया, दो अलग अलग टर्म है तो दोनों का फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है, पहले ई टी का डिफरेंशिएशन फिर साइन टी का डिफरेंशिएशन, तो ई टी का ई टी ही रहेगा क्योंकि ई एक्स का ई एक्स होता है, तो ई टी का ई टी ही रहेगा और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। आप फॉर्मूला पढ़े थे ना कि आप जैसे कि डी एक पढ़े थे पहले डी लॉग एक्स बटे डी एक्स है इसका मतलब 1/x होता है, और एक पढ़े थे डी ई एक्स बटे डी एक्स इसका मतलब क्या होता है ई एक्स ही होता है, तो यहाँ पर ई टी है तो यहाँ पर ई टी ही रहेगा। अब डी वाई बटे डी टी डी एक्स बटे डी टी भी निकल गया, डी वाई बटे आपका डी टी भी निकल गया, तो हमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी टी ऊपर आ गया और डी एक्स बाई डी टी आपका नीचे रहेगा, अब इसका 1/t हो जाए इसमें ई टी प्लस कॉस टी हो गया, अब 1/t नीचे थी बटा में आ जाएगा, तो 1/t इंटू ई टी प्लस का आपका कॉस टी हो जाएगा, तो ये निकल गया डी वाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स, यानी आपका ई टू द पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, जो आपका जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना वो भी फंक्शन के रूप में दिया हुआ है और जिसका डिफरेंशिएशन करना वो भी क्या आपका फंक्शन के रूप में दिया, तो इसको अलग फंक्शन मान लेते हैं इसको अलग फंक्शन मान लेते हैं, तो देखिए लेट मानिएगा जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको बाई मान लेते हैं, तो ये बाई इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर आपका एक्स हो गया, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको आप टी मान लेते हैं, एंड टी इक्वल टू जो हो जाएगा आपका ई पे पावर कॉस टी होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए बढ़िया से, या तो आप जेड भी मान लीजिए, इसको हम जेड मान लेते हैं, यानी जिसका डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको हमने बाई मान लिया, किसके रेस्पेक्ट में करना है ई टू द पावर कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो इसको हमने क्या मान लिया जेड मान लिया, तो बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और जेड इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या चीज है, क्या निकालना है आपका, आपका लिखना है यहाँ पर
साइन स्क्वायर एस का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी बाय का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ई टू द पावर कॉस एक्स के सापेक्ष करना है, आपको निकालना है, यानी बाई का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमें क्या पाना है, टू फाइंड आपका डी वाई बटे डी जेड, टू फाइंड डी वाई बटे डी जेड बार के आपका व्हाट हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, यानी बाई का डिफरेंशिएशन आपका जेड के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटे क्या होता है आपका डी जेड होता है। अब डी बटे डी जेड निकालने के लिए पहले बाई का डिफरेंशिएशन कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर आपका जेड का डिफरेंशिएशन भी कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी कॉस एक्स है तो इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, उसके बाद दोनों का डिवाइड कीजिएगा तो आपका डी वाई बटे डी जेड मिलेगा। तो सिंस यहाँ पर दिया हुआ है बाई इक्वल टू है साइन स्क्वायर आपका एक्स दिया हुआ है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्लच कीजिएगा, तो इसलिए आपका डी वाई बटे डी एस इधर लिखा है लेफ्ट में, और इधर का आपका डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का आपका डी एक्स हो जाएगा, तो इम्प्लाई लेफ्ट में डी वाई बटे डी एक्स ही रहेगा, और राइट में क्या होता है आपका साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका टू साइन एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर साइन है, दो है पावर सॉरी, तो दो से गुना हो गया, और आपका पावर एक घटेगा तो एक बचेगा, तो एक पावर लिखिए ना लिखिए बात बराबर रहेगा, तो टू साइन एक्स हो गया। अब फिर साइन एक्स का डिफरेंस क्या होगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट समझ रहे ना, साइन स्क्वायर है तो टू साइन हो जाएगा, और फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन जिस पर पावर है उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स हो गया, तो डी वाई बटे डी एस निकल गया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब अगेंस्ट सिंस नेक्स्ट क्या दिया आपका जेड बराबर, तो जेड बराबर ई पर पावर कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो इम्प्लाई इसलिए आपका डी जेड बटे डी एक्स निकालना, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर आपका एक्स है, तो डी जेड बटे डी एक्स हो गया, राइट में क्या होगा डी ई पर पावर कॉस एक्स अपॉन आपका डी एक्स हो जाएगा, इम्प्लाई लेफ्ट में डी जेड बटे डी एक्स ही रहेगा, और राइट में फिर क्या लिखाएगा ई पर पावर जो है आपका वही रहेगा ई पर कॉस एक्स, और जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स होता है। समझ रहे डायरेक्ट, डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो पहले क्या कीजिएगा इसको देखिए, ई डी ई पावर कॉस एक्स लिखिएगा और नीचे अपन डी कॉस एक्स लिखाएगा, जो पावर है उसको नीचे लिखना है, फिर जो नीचे लिखा है एक बार ऊपर लिखाएगा, तो डी कॉस एक्स और नीचे बटे का पर डी एस हो जाएगा, तो इम्प्लाई डी जेड बटे डी एस हो गया लेफ्ट में, राइट में ई पावर कॉस एक्स का ई पावर कॉस एक्स ही रहेगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो इंटू माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स हो गया, तो इम्प्लाई डी जेड बटे डी एक्स जो होगा अब माइनस साइन एक्स गुना हो गया बाहर में माइनस साइन एक्स, और ई पे पावर क्या होता है आपका कॉस एक्स रहेगा, तो डी जेड बटे डी एस हो गया माइनस साइन एक्स ई पे पावर आपका कॉस एक्स हो गया, तो डी जेड बटे डी एस भी निकल गया, डी वाई बटे आपका डी एस भी निकल गया, निकालना क्या चाहिए आपका डी जेड बटे डी वाई बटे डी जेड निकालना है, तो सिंस क्या लिखेगा डी वाई बटे डी जेड जो होगा वो आपका डी वाई बटे डी एक्स ऊपर रहेगा, और डी जेड बटे डी एस का आपका नीचे हो जाएगा, डी वाई बटे डी जेड ऊपर और डी जेड बटे डी एस आपका नीचे रहेगा, तो इम्प्लाई तो हमें डी वाई बटे डी डी जेड निकालना है, तो ऊपर डी वाई बटे डी एस हो जाएगा, नीचे डी डी जेड अपॉन डी एस लिखाएगा, तो इम्प्लाई डी वाई बटे डी जेड लिखिएगा और बराबर क्या होगा देखिए, डी वाई बटे डी एस का मान कितना निकला हुआ है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और डी जेड बट अपॉन डी एस का मान क्या है आपका माइनस साइन एक्स और ई टू दी पावर आपका कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो साइन साइन ऊपर नीचे आपका कट जाएगा, ऊपर नीचे साइन साइन कटेगा तो आपका इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू जो टू कॉस एक्स अपॉन माइनस टू ई टू दी पावर का आपका कॉस एक्स हो जाएगा, टू कॉस एक्स अपॉन टू माइनस ई टू दी पावर का आपको कॉस एक्स, सिंपल हो गया, इस प्रकार से निकल गया डी अपॉन अपॉन डी वाई बटे डी जेड का मान। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डी वाई बटे डी डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रखा गया है, डी जेड बटे डी एस का मान क्या है आपका माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स रखा गया। अब डी वाई बटे डी जेड निकालना है तो टू कॉस एक्स ऊपर रहेगा, साइन साइन कट गया तो टू कॉस एक्स ऊपर बचेगा, नीचे ई टू द पावर आपका कॉस एक्स बच गया, सिंपल प्रॉब्लम हो गया।
और इसको आगे तोड़कर लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखिए। यदि आगे लिखना चाहिएगा तो आपका डी वाई अपॉन डी जेड होगा, और आपका टू बाहर आ गया कॉस का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्स के क्वेश्चन भी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन का जो फंक्शन वो भी एक्स का है, तो यहाँ पर भी आंसर किस में आ गया आपका, एक्स में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यानी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफिसिएशन ज्ञात करना है। तो जिसका डिफिसिएशन ज्ञात करना है उसको वाई मान लेते हैं, तो लेट आपका वाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है उसको जेड मान लेते हैं, तो जेड बराबर आपका कॉस इनवर्स क्या होता है एक्स स्क्वायर हो गया। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको वाई मानिएगा और फिर इसको क्या मानिएगा एक्स मानिएगा। अब हमें क्या कीजिएगा, दोनों जो है वाई और जेड दोनों जो है आपका एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर पैरामीटर एक्स होगा, तो दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। तो पहले बाई को कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो सिंस आपका बाई बराबर निकालना पहले क्या चीज, सॉरी पहले यहाँ पर निकालना है टू फाइंड डी वाई बटे डी जेड, ये निकालना है डी वाई बटे क्या आपका डी जेड इक्वल टू वाट, क्योंकि आपका बाई को माने हैं टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जेड को माने कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आपका इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस निकालना है, यानी जेड के रिस्पेक्ट में बाय का डिफरेंस निकालना है, तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। तो सिंस पहले आपका बाय लेके चलिए, तो बाय इक्वल टू है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया आपका बाय इक्वल टू। इसको किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा डिफरेंशिएशन, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो इसलिए आपका डी वाई बटे डी एस होगा लेफ्ट में, और राइट में क्या होगा डी टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का दबका एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जो टेन इनवर्स के अंदर है उसका डिफिशन नीचे बटे डी एक्स पे लिखा गया, सॉरी डी इतना बटे आपका डी एस हो गया। अब नेक्स्ट क्या सोचिएगा कि जो टेन इनवर्स के अंदर है उसको नीचे लेना पड़ेगा, तो आपको होगा डी टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटे होता है आपका डी एक्स, सॉरी डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का आपका एक्स स्क्वायर। यानी जो टेन इनवर्स के अंदर है उसको पहले क्या कीजिएगा नीचे लीजिएगा, तो टेन इनवर्स के अंदर आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिए हुए, तो इसको हमने नीचे कर दिए, और जो नीचे किए एक बार ऊपर करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, जो अंडर रूट के नीचे उसको नीचे लीजिएगा, तो डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका नीचे लिखा गया, फिर जो नीचे ऊपर लिखा गया था डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी 1 प्लस, सॉरी डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का आपका एक्स स्क्वायर, और फिर बटे क्या आपका डी एस। इस प्रकार से पहले इसको तोड़ना है। फिर से देखिए टेन इनवर्स के अंदर जो है, टेन इनवर्स के अंदर जो है वो आपका नीचे लिखा गया, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो नीचे उसको हमने फिर ऊपर कर दिए, और फिर नीचे आपका जो रूट के अंदर है वो नीचे लिखा जाएगा, तो नीचे ऊपर चला गया फिर रूट के अंदर जो नीचे रह गया, अब जो नीचे फिर ऊपर लिखाएगा फिर बटे का आपका डी एस हो जाएगा। अब ये यू बटे भी पर टूटेगा, इसलिए अब नीचे में क्या लिखना है आपका डी एस से लिखना है। तो इम्प्लाई देखिए डी वाई बटे डी जेड डी एक्स इधर हो गया। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसका फिर क्या आपका होल स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का डिफिजन हो गया, फिर गुने। अब इसका करना है अंडर रूट इतना दिया हुआ है, तो 1 अपॉन हो गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का आपका एक्स स्क्वायर, फिर गुने। अब इसका डिफरेंट करना है तो यू बटे भी पर होगा,
तो नीचे ला बाहर, 1 बटे x 1 प्लस x स्क्वायर बाहर हो गया, तो d1 माइनस x स्क्वायर अब बटे क्या आपका dx इस तरह से, और फिर प्लस दीजिएगा। अब है 1 माइनस x स्क्वायर यदि बाहर हो गया तो क्या लिखा है d1 प्लस x स्क्वायर अब बटे फिर क्या आपका dx होगा, इस तरह से करके आप लिखिएगा। फिर से देखिए टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 बटे 1 प्लस इतना जो टेन इनवर्स के अंदर है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू 1/2 गुने हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट होता है, 2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट इतना हो जाएगा रूट के अंदर, उससे मल्टीप्लाई होगा इंटू, फिर अब इसको u/v पर तोड़िएगा तो नीचे वाला बाहर ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस सॉरी बट्टा में फिर माइनस हो जाएगा, फिर क्या आपका ऊपर वाला बाहर नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, और फिर नीचे वाला का क्या आपका होल स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर, इस तरह से करके लिखिएगा। यानी ये सब आपका एक ही लाइन में है इम्प्लाई। अब नेक्स्ट आया क्या लिखा है, dy/dx तो होगा इधर, और उधर तोड़िएगा तो देखिए 1/1 प्लस ये आपका अंडर रूट टूटेगा तो 1 माइनस x स्क्वायर अब बटे 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर लिखेगा, फिर गुना इसको लिखिएगा तो 1/ हो जाएगा, √1 प्लस x स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे √√1 माइनस x स्क्वायर और नीचे 2 से गुना हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इसको क्या लिखिए 1 प्लस x स्क्वायर तो रहेगा बाहर, मल्टीप्लाई 1 प्लस x स्क्वायर बाहर रहेगा और इसका डिफ्रेंसिएशन -2x होगा क्योंकि 1 का 0 और -x स्क्वायर का -2x, फिर घटाओ देकर 1 माइनस x स्क्वायर तो बाहर रहेगा ही और इसका डिफरेंस क्या आपका 2x हो जाएगा क्योंकि 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x और नीचे क्या 1 प्लस x स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर क्या कहे, देखिए इम्प्लाई होगा dy/dx इधर तो लिखा गया है, इसको तोड़ भींग के जोड़ कीजिएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर सबसे ऊपर चल जाएगा और नीचे लिखा है 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस x स्क्वायर लिखाएगा और फिर गुण इसको LCM निकाल तो 1 प्लस x स्क्वायर और फिर 1 माइनस प्लस देखा 1 माइनस x स्क्वायर नीचे ला सबसे फिर क्या होता है ऊपर चला गया, इसको कैसे लिखिएगा आपका जो है उस तरह से लिखे √√1 प्लस x स्क्वायर बटे 2 √√1 माइनस x स्क्वायर फिर गुना ये ब्रैकेट बंद फिर रहेगा, इधर क्या लिखा है आपका देखिए 2x इसमें भी है और 2x आपका इसमें भी है तो -2x इसमें हम बाहर निकाल लेते हैं, तो जब -2x आपका बाहर निकालेगा तो इसमें जानते हैं क्या बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर बचेगा, -2x बाहर निकाल तो 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस और ये -2x निकल गया बाहर तो फिर प्लस देकर 1 माइनस फिर आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, इस तरह से बचेगा और नीचे फिर सबका बटा क्या आपका 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर दिखाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कटेगा तो इम्प्लाई dy/dx हो जाएगा, और देखिए एक्स एक्स 1 प्लस x स्क्वायर यहाँ भी है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर तो ये को कट जाएगा तो ये भी कट गया तो ऊपर 1/(1/2) बच गया और यहाँ पर होगा √√1 प्लस x स्क्वायर और नीचे होगा √√2 × 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर गुने इधर फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट जाएगा -2 1 1 2 हो जाएगा और दूध क्या होगा -4x तो ऊपर हो गया -4x और नीचे एगो इससे ये कटेगा तो 1 प्लस x स्क्वायर ही बचेगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर तो ये देखिए 2 2 4 हो गया और ये 4 4 आपका कट गया, अब नीचे 1 प्लस x स्क्वायर ऊपर √√1 प्लस x स्क्वायर है तो ऊपर से नीचे आपका डिवाइड हो जाएगा कटेगा तो dy/dx होगा ऊपर तो आपका -x बचेगा और नीचे जो √√1 माइनस x स्क्वायर जो पहले से था और जब इससे गुना होगा इससे जब रूट में है इस रूट से बाहर है तो नीचे रूट लग जाएगा तो 1 प्लस का आपका एक्स स्क्वायर हो गया, अब क्या लिखे ऊपर -x रहेगा और नीचे 1 माइनस a स्क्वायर अच्छी 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको ले सकते ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो 1 माइनस होगा x/4 हो जाएगा फिर सबका अंडर क्या लिखा है रूट लिखाएगा तो dy/dx निकल गया -x/1 माइनस x/4 क्या आपका 4 है ये ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए है तो ए स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर है तो x/4 ही होगा
ये निकला dy बटे आपका ds का मान। फिर से देखिए इसको, यहां तो समझ में आ रहा होगा। देखिए dy बटे ds निकालना है तो पहले क्या करना है, जो डिफ्रेंशिएशन था वन प्लस टेन इनवर्स का, तो वन पर ले वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस इतना का होल स्क्वायर। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट वाले का, तो वन बटे टू रूट हो जाएगा। फिर इसका यू बटे भी पर टूटेगा, तो नीचे वाला बाहर ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे वाला का आपका डिफ्रेंशिएशन, और फिर नीचे वाला का होल स्क्वायर करके लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको जब स्क्वायरिंग की जाए तो रूट अंडर कटेगा, तो वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुने। अब ये क्या है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, और टू इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर नीचे हो जाएगा, फिर गुना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसे बाहर था बाहर रह गया, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एस, तो माइनस टू एस यहाँ पर लिखा गया, फिर माइनस से माइनस दे दिए। वन माइनस एक्स स्क्वायर जैसे था उससे रह गया बाहर, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वन का जीरो एक्स स्क्वायर का प्लस टू एक्स, तो इंटू आपका टू एस लिखा गया, और फिर नीचे लगा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ही रह गया। अब आगे देखिए, इसको जब भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया, तो लिखा गया, और नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर हो गया, फिर गुने अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, और टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आपका नीचे लिखा गया, और फिर गुने करके। यहाँ पर देखिए अब इसमें माइनस टू एस इससे निकाल लीजिएगा और माइनस टू एस इससे भी निकाल लीजिएगा, तो आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर प्लस बचेगा क्योंकि माइनस टू एस निकाले हैं ना, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया प्लस माइनस, तो वन वन टू हो गया, तो आपका माइनस टू एस और गुने टू, तो आपका माइनस फोर एस लिखा गया, और इधर क्या कटेगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा कटेगा, तो वन वन टू बचेगा, तो वन, और दूसरी बात वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, देखो ये भी कट जाएगा, तो वन अपॉन टू हो गया इधर इंटू वो रूट अंडर जैसे था वो वाला ऐसे लिखा गया, और यहाँ पर माइनस फोर बच गया, नीचे वो कटेगा, तो वन प्लस स्क्वायर वो बचेगा, ये इससे कटेगा तो ये बचेगा। अब देखिए दो दो चार हो गया, ऊपर नीचे चार कट गया, तो ऊपर माइनस एक्स बचेगा, और इसमें देखिए ऊपर रूट में है नीचे रूट में नहीं है, तो नीचे रूट लग जाएगा, तो नीचे आपका रूट लग गया, ये जैसे था माइनस वाला वैसे रह गया। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वन स्क्वायर माइनस एक्स पावर दो दो कितना हो गया चार हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स पावर आपका चार लिखा गया, तो ये निकल गया डी वाई बटे आपका डी एस निकल गया। अब देखिए सिंस जेड इक्वल टू दिया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसमें निकालना क्या चाहिए डी जेड बटे डी एक्स, तो डी जेड बटे डी एक्स जो होगा वो लिखा है डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन आपका डी एक्स, तो इम्प्लाय लिखेगा डी जेड बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंस जानते हैं क्या होता है, पहले जो कॉस इनवर्स के अंदर वो नीचे लिखेगा तो डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और नीचे बटे क्या लिखा गया डी एक्स स्क्वायर, और जो नीचे लिखे एक बार ऊपर लिखा गया तो डी एक्स स्क्वायर बटे का आपका डी एक्स लिखा गया। अब आगे देखिए इम्प्लाय डी जेड बटे डी एस लेफ्ट में होगा राइट में कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस यहाँ पर एक्स पर पावर आपका चार हो जाएगा, दो दो पावर क्या आपका यानी इस सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर, और फिर गुने एक्स स्क्वायर का आपका टू एस हो जाएगा, तो इम्प्लाय डी जेड बटे डी एस जो होगा ऊपर माइनस टू एस लिखाएगा, और नीचे अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर दो दो कितना आपका चार निकल गया, ये डी जेड बटे क्या आपका डी एस हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा हमने अप्लाई किया डी कॉस इनवर्स एक्स अब बटे डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इसमें एक्स था तो एक्स स्क्वायर होता है, तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। अब निकालना है डी जेड बटे डी वाई बटे डी जेड, तो डी वाई बटे डी जेड क्या होगा आपका डी वाई बटे डी एक्स ऊपर लिखा गया, और डी जेड बटे डी एक्स क्या आपका नीचे लिखा गया, तो इम्प्लाय डी वाई अपॉन डी जेड, अब है डी वाई बटे डी एक्स का मान निकला हुआ था कितना था माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर चार है, अब बटे डी जेड बटे डी एक्स का मान कितना निकला हुआ है माइनस टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स पावर चार, तो ये आपका कटेगा एक्स एक्स भी कटेगा माइनस माइनस भी कटेगा, तो इम्प्लाय हो जाएगा डी वाई बटे डी जेड हो गया वन बटे का आपका टू हो जाएगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में जिसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो वन बटे कितना आपका टू आएगा।